गुड़िया बेटा देख मैं तेरे लिए क्या लाई, ये पिचकारी और ये होली के रंग। पर माँ मुझे ये रंग नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाले रंग चाहिए जिससे मैं सुंदर सुंदर ड्राइंग बना सकूं। माँ आप मुझे भी कलर दिलाओ ना, मेरे सारे कलर खत्म हो गए हैं। पर बेटा अभी जो मेरे पास पैसे थे उससे मैं रंग और पिचकारी ले आई। एक काम करते हैं, हम अभी मेम साहब के वहाँ जा रहे हैं ना, तो मैं मेम साहब से पैसे ले लूंगी, फिर आते वक्त तेरे लिए रंग ले आएंगे। सच्ची माँ? हाँ बेटा अब चलो ना, हमें काम के लिए देरी हो जाएगी। ठीक है माँ। और आप लोग वीडियो को तो देख लेते हो पर लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड़िया बेटा मेरी माँ मुझे बुला रही है, अब मैं जाती हूँ। अरे वाह आज तो गुड़िया भी साथ आई है। वो मिम साहब आज इसका भी आने का बड़ा मन था ना, इसलिए मैं इसे भी साथ ले आई। अच्छा ठीक है आ जाओ। जब देखो तब मुंह उठाकर मेरे घर आ जाती है। रिद्धि दीदी क्या है? हैप्पी होली। हाँ हैप्पी होली। रिद्धि दीदी आपके पास तो कितने अच्छे अच्छे कलर है, ये आपको आंटी दिलाते हैं ना? हाँ। और तू यहाँ क्यों आई है? ये तेरा घर नहीं है जो तू इस तरह यहाँ वहाँ घूम रही है। और रही बात कलर की तो ये कलर तू मत देख, ऐसे कलर खरीदने की तेरी औकात नहीं है समझी? अब जा बाहर, यहाँ क्यों खड़ी है? गरीब कहेगी मुझे हैप्पी होली कहने आई। माँ लाओ मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं बेटा मैं कर लूंगी, तू बैठ। हम तो कपड़े। अब ज्यादा मत बोलो अपना काम करो, काम तो ठीक से करते नहीं और बातें करते हो। माँ हम गरीब हैं इसलिए सब हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ना? नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है। ऐसा ही है माँ, देखना मैं बहुत पढ़ूंगी और बहुत पैसे कमाऊंगी ताकि फिर कोई हम जैसे गरीब का इस तरह अपमान न कर सके। मेम साहब वो सारा काम हो गया। अच्छा ठीक है, वो आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुमित्रा आंटी अब जब देखो तब पैसे ही मांगते रहते हो। रिद्धि मम्मा प्लीज मुझे बोलने दो, ये यहाँ काम करते हैं तो काम के इन्हें पैसे भी मिलते हैं ना, फिर क्यों भिखारी की तरह बार बार हमसे पैसे मांगते रहते हैं? अगर इन्हें पैसे ही चाहिए तो भीख मांगने क्यों नहीं बैठ जाते? बस रिद्धि ये तुम क्या बोल रही हो तुम्हें पता भी है? हाँ मुझे पता है। और ये लोग चुप एकदम, अब एक शब्द और मत बोलना समझी तुम? तुम होती कौन हो इन्हें ये ताना मारने वाली? क्या गरीब होना पाप है? क्या मेहनत करके अपना घर चलाना पाप है? बेटा
कौन कब अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बन जाए ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इस अमीरी पर घमंड करके गरीब को नीचा दिखाना और उसका अपमान करना सही नहीं है। आज होली है, तुम्हें तो गुड़िया के साथ प्यार से रहना चाहिए, पर नहीं, तुम तो उस पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ रही हो। क्या ये तुम ठीक कर रही हो? गरीब कहेगी मुझे हैप्पी होली कहने आई, अगर इन्हें पैसे ही चाहिए तो भीख मांगने क्यों नहीं बैठ जाते? ऐसे कलर खरीदने की तेरी औकात नहीं है, समझी? मम्मा आई एम सॉरी, मैंने गुड़िया और सुमित्रा आंटी के साथ ठीक नहीं किया। बेटा माफी मुझसे नहीं, गुड़िया और सुमित्रा से मांगो। और एक बात हमेशा याद रखो कि गरीब भी इंसान ही है। गुड़िया सुमित्रा आंटी आप दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे बेटा आप माफी मत मांगो। हाँ आप माफी मत मांगो, हमें अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं। अच्छा तो एक मिनट रुको। ये लो, तुम्हें ड्राइंग कलर बहुत पसंद है ना, तो ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। हैप्पी होली। हैप्पी होली।